हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। आज के तो गुड मॉर्निंग साढ़ू भाई ने करवाई हमको, क्योंकि छोड़ने आए मम्मी जी को। ठीक, जाओ करो काम धंधा। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है बहुत ही अच्छी, और अभी लगा चुका है आटा। गुड मॉर्निंग नहीं किया आपने तो कर सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। तो गाइस अभी कर रही है हल्दी गरम, इसका पीछा अभी तक भी नहीं छोड़ रही है। तो छोड़ कैसे कैसे छोड़ दूं? और क्या बनाए हो? और क्या बनाई हो? इधर बनाई हो मिर्ची बेसन वाली। तो गाइस ये मिर्ची बनाई है बेसन वाली, जो कि मेरे को वो भी पसंद नहीं है। पसंद नहीं है खाना है मत। भर के बनाते ना यार। भरी हुई हो एक एक, मतलब बेसन थोड़ा कम रह गया था ना, तो एक मिर्ची कैसे डाल दे। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो मजा आ जाएगा। अभी छाछ तली मंगा लेंगे गाइस, तो आनंद आ जाएगा। उसके हाथ दे सकते हो पीले पीले। और ये हमेशा ना मेरे को मारती रहती है, इसका क्या करूं मैं गाइस, मेरे को बता दो। क्या बताऊं? मैं इसको मार नहीं सकता क्योंकि औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए गाइस। ये क्या था? तो शाबाशी थी। तो गाइस हमारा किचन देख सकते हो आप, बस बर्तन पड़े हुए गंदे, यही साफ करेगी। और सफाई हो चुकी है बहुत ही अच्छे से, अब मजा आ रहा है घर में रहते रहने का। और ये सुबह छिपा के लिए आई थी, मेरे से तो मिल चुके हैं। तो गाइस अभी मूंगफली सेक लिए ऊपर मम्मी जी के लिए, क्योंकि मम्मी जी और भी बैठे हैं ऊपर, तो उनको मूंगफली खिलाई गई है। क्या बात है। गाइस अब देख सकते हो किचन के अभी सफाई करेगी। और गाइस आज है ना, मतलब अपने बचपन को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है, तो इसको समझाओ आप, स्ट्रेंथ दो। सुबह पहले पंचायत जुड़ गई, बादल साफ हो रहा है। ऊपर देखो, सभी ऊपर देखो, नहीं मत देखो। ले मोबाइल खा ले। ओ तू भी कर रही थी कहीं? अच्छा सही है बेटा। देख लो आतरा गयो किनक। मिस्टू बता रही है काम, जबरदस्ती मुफड़े खिला रही है लोग बाग। देखा मैं कहा था, रह जा बेटा, मां जा। दही में ज्यादा जमीन नहीं, जमीन में मत बकेल। और कोनो तो गाइस आज फाइनली गांव जा रहा है, क्योंकि यहाँ इसका मन नहीं लगता, तो गांव जाके गांव से पढ़ाई करेगा अभी। देख सकते रोशन जी हो चुके हैं गाड़ी और लोड, और जो कि छोड़ के आएंगे फिर मम्मी को लेने आएंगे। फिर देखो छोड़ के आ चुका हूँ, अब जा रहा हूँ मम्मी को छोड़ने। तो बोला है कि छोरी छोरी को मम्मी जाते ही देख। तो लोग परिवहन है, आई थिंक ये अभी दो ढाई घंटे में, अब तीन घंटे पहुंचा देगी गाँव। तो घर पे फोन करके बोल देता हूँ, क्योंकि उनको बैठा दिया है। तो गाइस मम्मी और भाई को छोड़ के आ चुका हूँ, और ये हो गई इमोशनल, रोने लग गई गाइस। देखो आंसू आ गए इसकी आंखों में से, पता नहीं क्या इमोशनल। ओए काइयों, देखो गाइस मेरे को बता भी नहीं थी क्या हुआ है, क्यों रो रही है बताने यार। ओए काई मैंने बता तो सही, देख आंखें खोल। अरे यार ऐसे कौन रोता है यार, मैं फोन करके वापस बुला रहा हूँ उनको, बोले वापस आ जाओ आप। तो ओए तो भाई इसको मनाते हैं, थोड़ी देर ब्लॉक करते हैं। बस तो मैं मार्केट, और मार्केट से लाया था जलेबी, जो कि खत्म कर चुके हैं हम दोनों, थोड़ी बहुत और बची है। क्योंकि गाइस सर्दी के मौसम में जलेबी और गर्मा गर्म दूध खाने का अलग ही मजा आएगा गाइस, शरीर को बढ़िया शक्ति भी मिलती है, बढ़िया मस्ती भी लगता है सर्दी के अंदर। तो बिल्कुल खाया करो आप लोग भी।
तो वैसे मार्केट कुछ दवाई लेने गया था, बट क्या वो गर्मा गर्म निकाल रहा था तो मुँह में पानी आ गया, तो फिर ले आया मैं भी, ज़्यादा ही नहीं 20 रुपये ही लाया, क्योंकि ज़्यादा खाई जाता नहीं है मीठा इस वजह से। और ये मैं गया जब भी सो रही थी, भी आया जब भी सो रही है। खाना नहीं बनाना क्या आज है? बनाऊंगी भी। तो गाइस इसकी मम्मी जा चुकी है गांव और ये काफ़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि इसकी मम्मी आती नहीं है, बहुत कम आती है जयपुर, मतलब घर पे बहुत काम रहता है, क्योंकि घर पे अकेली है, दो भाई है और उसके पापा हैं, तो पापा तो काम पे चले जाते हैं, मम्मी फिर क्या नाम से पैसे भी लग रखे हैं उन्होंने, तो उनकी देखभाल करना वो करना, तो मतलब बहुत ही कम आना होता है इसकी मम्मी का जयपुर, मतलब साल में मुश्किल साल भर भी नहीं होता, साल दो साल में एक बार आना होता है, तो इस वजह से कल काफ़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि कोई आता नहीं है। मम्मी पापा तो खैर आते ही नहीं है, क्योंकि उनको तो बहुत टाइम हो गया, मकान कंप्लीट हो गया, उस मकान बना था ना तब आए थे पापा, और मम्मी तो अभी तक आके देखी भी नहीं मकान, तो इसलिए इमोशनल हो जाती है कभी कभी, कोई गांव से आता है फिर चला जाता है, तो कल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो इस वजह से हम आगे व्लॉग भी नहीं बना पाए, तो व्लॉग की एंडिंग में भी मॉर्निंग में कर रहा हूँ, और अभी मैं मॉर्निंग में तैयार हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ कहीं, तो आप लोगों को भी कल पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को न्यू सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।